फतेहाबाद के भूड़िया खेड़ा महिला कॉलेज में ईवीएम सेंटर बनाया गया है और यहां नरवाना, फतेहाबाद, रतिया व टोहाना चार विधानसभा क्षेत्रों की ईवीएम मशीनें रखी गई हैं। वहीं से लेकर लगातार कांग्रेस पार्टी के नेता व कार्यकर्ता शक जाहिर कर रहे हैं कि भाजपा सरकार के नुमाइंदे यहां आकर ईवीएम में गड़बड़ी कर सकते हैं। इसी के चलते जिला उपायुक्त से परमिशन लेकर कांग्रेस नेता ईवीएम सेंटर के आगे तंबू लगाकर निगरानी कर रहे हैं, जो कि लगातार 23 तारीख तक रखी जाएगी ताकि चुनावी परिणाम सही ढंग से आ सके। कांग्रेस कार्यकर्ताओं ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पर निशाना साधते हुए कहा कि भाजपा सरकार का चौकीदार सही ढंग से चौकीदारी नहीं कर रहा, इसलिए उन्हें ये कदम उठाना पड़ा। हमें ईवीएम स्ट्रॉन्ग रूम बनाया गया है यहाँ, जिसमें चार कंस्टिट्यूंसी हैं, फतेहाबाद, रतिया, टोहाना और नरवाना। हम ईवीएम की रखवाली कर रहे हैं, दिन प्रतिदिन हम सुन रहे हैं कहीं न कहीं ईवीएम को लेकर कोई न कोई हुड़दंग होता है, या तो ईवीएम बदली जाती हैं या कुछ और हाईजैक की जाती हैं। उसको लेकर सरकार ने 3 लेयर स्ट्रॉन्ग रूम बनाया है, चौथा लेयर कांग्रेस पार्टी ने अपना स्थापित किया है और इसको लेकर हमारे कार्यकर्ता हैं, नेता हैं, वो पूरी रखवाली कर रहे हैं, पूरा अपना निष्ठावान बनकर पूरा अपना सहयोग और समर्थन दे रहे हैं। तो यहाँ आपने सीसीटीवी कैमरे भी लगाए हैं, उनका क्या काम रहेगा? दो सीसीटीवी कैमरे लगाए हैं ताकि अंदर कोई आता है जाता है या कोई अनवांटेड व्यक्ति जाता है या कोई वाहन जाता है, उसकी निगरानी हो सके। अभी 2 दिन पहले एक ट्रक पकड़ा जो अंदर लेके जा रहा था, बोले जी ये खाली पेटियां हैं। जब स्ट्रॉन्ग रूम सील हो चुके हैं तो उसमें खाली पेटियां जा ही नहीं सकती, तो ले जाने का मतलब ही नहीं था, उनको कहीं और रखवाना चाहिए था, उनको यहाँ नहीं भेजना चाहिए था, और ना ही उस ट्रक के पास परमिशन थी। इस तरह के कृत्य सामने आ रहे हैं, तो इसलिए हमारा यहाँ पर रखवाली करना, कहेंगे हम चौकीदार अपनी चौकीदारी सही ढंग से नहीं कर पा रहा, इसलिए इसकी चौकीदारी हमें करनी पड़ रही है। ईवीएम सेंटर की निगरानी कर रहे कांग्रेस नेताओं का कहना है कि आज से 2 दिन पहले इसी ईवीएम सेंटर में हरियाणा सरकार का एक ट्रक जिसमें ईवीएम थी यहां लाया गया था, जिसे कांग्रेसियों ने मौके पर ही पकड़ लिया, लेकिन जिला प्रशासन ने बिना किसी कार्रवाई के उसे जाने दिया। इतना ही नहीं, सुरक्षा में कोई चूक ना हो इसके लिए कांग्रेस द्वारा यहाँ सीसीटीवी कैमरे भी लगाए गए हैं। इंडिया एक्सप्रेस के लिए फतेहाबाद से जितेंद्र मोगा की रिपोर्ट।